राम राम सारे भाई ना, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं मोहित राठी, उम्मीद करता हूँ हम लोग मौज होंगे भाई अपने फुल गाज कटर। तो भाई आज अपने सामने खड़ी है हुंडई की तरफ से आने वाली ग्रैंड आइटन न्यूज। ये डीजल वाला वेरिएंट है भाई, 2022, फेसलिफ्ट वाला नहीं है, पुराने वाला है। तो भाई आज इसका ओनरशिप रिव्यू लेंगे, बुलाते हैं डायरेक्ट ओनर को। और भाई कपिल क्या हाल है? बढ़िया भाई, आप बताओ। बस मौज में भाई। तो भाई पहला क्वेश्चन तो मेरा भाई यही कि भाई आइटन न्यूज यही गाड़ी क्यों? हाँ भाई, इस रेंज में मार्च में जान नहीं था भाई, अच्छा शिफ्ट हो गई। हाँ भाई, बाकी इस रेंज में मेरे को ये गाड़ी बढ़िया लगी। और टाटा की अच्छी गाड़ी है, हाँ, लेकिन टाटा की बुक करी तो टाटा की टाइमिंग ज्यादा ले रही थी वो, अच्छा 3 महीने 4 महीने बुकिंग के अच्छा रहे थे। ये गाड़ी डीजल में थी, सीएनजी में इसमें वेटिंग थी, अच्छा, लेकिन डीजल में मेरे को 2 दिन में मिली, 2 दिन के अंदर अंदर डिलीवरी हो गई। अच्छा, तो कितने की पड़ी है ये? मेरे को कैश ऑन डिलीवरी 870 की, 870 की ऑन रोड पड़ चुकी है आपको भाई, ईएमआई पे? ना कैश, कैश 870 भाई, ये भी सही है। तो कितने साल हो गए, मतलब कितना टाइम हो गया ले हुए? गाड़ी ली थी मैंने 27 मई को, 27 मई को 2022, मतलब 1 साल होने वाला, 3-4 महीने में। तो मतलब कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक, 1 साल का चलाते हो गए आपको गाड़ी को भाई? बढ़िया एक्सपीरियंस, बढ़िया चलती है, कोई दिक्कत नहीं कहीं पर कोई वैसे। अच्छा भाई, मतलब बढ़िया, बिल्कुल एक नंबर। कभी कोई शिकायत आई हो अभी तक किसी चीज की? बस थोड़ी टायर में शिकायत है। कैसे, मतलब किस टाइप की? हल्की धसके में फुला, मतलब बबली मुड़ जाती है जल्दी से। हाँ। ज्यादा जल्दी बबली टायर जो, अच्छा कंपनी फिटेड। अच्छा भाई, वो क्राउंड दिखा देते भाई गाड़ी का, इस टाइप के अपने भाई कुछ अलॉय व्हील्स मिलते हैं कंपनी फिटेड, जिसकी टायर प्रोफाइल भाई हमको मिलती है 165/70R14 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। और भाई पीछे की तरफ चले तो भाई ये भाई ये कंपनी फिटेड है। तो भाई इसका पूछते, मतलब भाई जब ये ठुकी, मतलब ये कैसे, मतलब किस चीज से ऐसा एक्सीडेंट हुआ था भाई ये? भाई कुछ ना, बारात मरता आ रहा था, ट्रक वाले मार के। अच्छा भाई, ट्रक वाले से एक्सीडेंट हुआ। तो भाई बिल्ड क्वालिटी के बारे में फिर क्या कहना चाहोगे आप? मतलब ठीक है, मतलब हाँ, मारुति से तो बहुत अच्छा है, मतलब इसकी जगह और कोई गाड़ी होती इसी रेंज में तो हो जाता अलग। मारुति की बात करें तो हो जाता, हाँ, और गाड़ी मैंने चलाई नहीं है हुंडई के अलावा। अच्छा, तो मतलब बहुत सही है प्राइस रेंज के हिसाब से। और भाई बात करें रेयर लुक की, स्पोर्ट्स वेरिएंट है भाई ये मतलब टॉप से एक निचला वेरिएंट है। हाँ। इससे ऊपर एक और आता है आस्था। अच्छा भाई, तो मतलब यही क्यों फिर आप टॉप पे क्यों नहीं गए? टॉप में ना प्राइस में 1 लाख का डिफरेंस था। फीचर में क्या डिफरेंस दे रहे थे ऐसा? वायरलेस चार्जर, अच्छा, और एक फीचर में बैक, रियर वाइपर, बस ये फर्क था और कोई फर्क नहीं था। ये भी ठीक है भाई, इसमें हमको ये कंपनी फिटेड मिलता है कैमरा इसमें? हाँ, कंपनी फिटेड है। क्लियरिटी कैसी है? क्लियरिटी अच्छी है, ठीक ठाक है, होगी। आई लाइक दिस। अच्छा भाई, और भाई ये भी कंपनी फिटेड? नहीं, ये टॉप से थोड़ा निचला मॉडल है ना, इसमें से एक ही आता है। कभी आप सोच रहे हो टूटा हुआ? ठीक है भाई, ये भी चाहिए भाई का इंस्टाग्राम भाई ना, हिंदू हिंदू लिखवा रखा भाई, कट्टर हिंदू। इस हिसाब का अपना इंटीरियर मिलता भाई इसमें, स्टीरियो इंटीरियो वहाँ पर मिलता भाई, एक तरफ एनालॉग और दूसरी तरफ डिजिटल मीटर मिलता है, आरपीएम मीटर अपना एनालॉग में मिलता है और स्पीडोमीटर डिजिटल मिलता है। और इस तरफ भाई अपने ये सारे कंट्रोल्स मिलते हैं भाई, थोड़ा कैसा मजेदार है इंटीरियर, इंटीरियर गाड़ी का ना प्यारा इंटीरियर है भाई ये, मतलब छोटी के हिसाब से और वैसे भी ना प्राइस लगता है। अच्छा भाई, तो भाई मतलब क्या क्या फंक्शन मिल जाते हैं अपने इसमें हमको? ऑटो एसी मिलता है, हाँ भाई, ठीक है, अपने सारे अंडर कंट्रोल मिलते हैं, विंडो पावर कंट्रोल मिलते हैं अपने, ओआरवीएम कंट्रोल रेंज पे सब कुछ यहाँ से अपना भाई, इसका पूरा स्पीडोमीटर कंट्रोल हो जाता है। ये भाई विद वायर है ये वाला, एंड्रॉइड एंड ऑटो आर कारप्ले, एप्पल कारप्ले वायर के साथ, सही है भाई ये भी। तो भाई आपने नई वाली और देखी होगी, ये जो फेसलिफ्ट वर्जन आया है, तो उसको मतलब क्या क्या कहना है उसके बारे में? लुक अंदर सेम है उसकी, हाँ, और बाकी जो टॉप मॉडल से ये स्पोर्ट है अपना, हाँ, उसका स्पोर्ट मॉडल भी एक तो महंगा हो गया है, हाँ, वो तो हर गाड़ी होती प्राइस, हाँ, वो तो प्राइस रेंज बढ़ाते हैं भाई। और जैसे इसमें डिजिटल है ना, हाँ भाई, तो डिजिटल भी नहीं है। अच्छा, हाँ, और भाई मैंने भी देखा कि एसी भी ऑटो नहीं है उसमें। हाँ, ना एसी ऑटो नहीं, नहीं नहीं भाई, स्पोर्ट्स में नहीं है, वो टॉप में दे रखा है, इसमें टॉप से एक निचले भी, इसमें भी भाई एसी आ रहा है। ये आर्म रेस्ट है भाई जो ये कंपनी फिटेड है, या एसेसरीज के तौर पे लगवाया था, बाहर से लगवाया आफ्टर मार्केट? अच्छा भाई, सही है भाई ये भी अपने। और भाई जैसे कि भाई 1200 सीसी का इंजन है इसमें, 80 VHP की पावर है, तो कैसी भगती है?
भगाने में कैसे? भगाने में ज्यादा तो भगाए नहीं, लेकिन मैंने 175 लास्ट, 175 लास्ट, 175 इतने मैंने भगाई। बढ़िया भक्ति है, मतलब अच्छी चलती है। और भाई कंट्रोल में रहती है, मतलब ऐसा नहीं होता कि हाँ, मैं वही बोलने वाला कि भाई कि कहीं भगने मतलब कि स्पीड में भगा रहे तो डिसेबल हो रही है, कुछ कंट्रोल में फुल अपने मतलब चिपक के चलती है बिल्कुल। अच्छा भाई, और भाई एवरेज का क्या कहना चाहोगे डीजल में? हाँ कभी 20 भी दिखा देता है, 22 भी, लेकिन मैं अपने अंदाजे चलता हूँ 100 रुपए में 20 किलोमीटर। हाँ मतलब 20 की एवरेज दे देती है ये, 100 रुपए में 20 किलोमीटर चलेगी आराम से चलेगी, महंगा हो सस्ता हो पर 100 रुपए में 20 किलोमीटर चलेगी भाई। ये भी ठीक है भाई, कुछ फिर बिल्कुल आपने कंपनी फिटेड रख रखी है गाड़ी, कुछ भी नहीं कर अभी तक, कुछ भी छिड़वाया नहीं है। ये हमको भाई मैनुअल ORVM मिलता है, देख सकते हो आप। और यहाँ पर बात करें तो अपना भाई वही शीशा विषय, तो कुछ सोचा है मॉडिफिकेशन के बारे में? मॉडिफिकेशन ऐसा कुछ खास नहीं, कोई कंपनी फिट सारी चीजें हैं, कुछ है? करवाने की जरूरत है नहीं, जरूरत तो है नहीं कराने की। हाँ। बाकी वो अपने ब्लैक जर्सी से करवाना ही है, वो तो अपने मर्जी के ऊपर है। बाकी तो सारी चीजें, ये सीट कवर कंपनी फिट है ना? नहीं नहीं, ये तो मैंने बाहर से, ये भी बाहर से लगवाया। इसकी क्या कॉस्टिंग पड़ी? इसकी कॉस्टिंग मेरे को पड़ी थी 7,500 आराम। अच्छा सही है, मतलब बढ़िया हर चीज। और भाई गाड़ी की आपने तारीफ के पुल तो बांध दिए, नेगेटिव पॉइंट भाई जो अभी तक खराबी लगी हो गाड़ी में कि ये चीज मेरे को अच्छी नहीं लगी? एक तो जो मैंने इसका कलर लिया है जो अपना, हाँ, ब्लू टाइटन, हाँ, ये अच्छा नहीं लगा। अच्छा, पहले वो मैंने इस वजह से लिया कि ये लास्ट डीजल में। अच्छा हाँ, क्योंकि डीजल वेरिएंट बंद हो चुका है इसका। हाँ, और मेरे को लेनी डीजल में ही थी। अच्छा गाड़ी, हाँ, और ये मेरे को अच्छी लगती शुरू से। हाँ, तो जब मैंने ये ले लिया। अच्छा, कलर मतलब ऐसा ब्लैक से भी गंदा। अच्छा, ज्यादा स्क्रैचेस दिखते हैं, ज्यादा गंदा होता है। आप वॉशिंग करा के लाओ जब भी, मतलब आपको धूल चढ़ी दिखेगी साथ के साथ में। और कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं? और आप टायर बताया था मैंने, टायर में दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में? हिसाब से सब कुछ बेस्ट गाड़ी है, बेस्ट गाड़ी, ओके रिपोर्ट। अच्छा भाई चलो ये भी ठीक है। और भाई 5 बंदे कंफर्टेबली बैठ जाते हैं? 5 सीट आराम से बैठ जाते हैं। अच्छा भाई, और बूट स्पेस भी ठीक है इसका, आ जाता है 2-3 बंदों का लगेज आराम से। आराम से, चलो भाई ये भी ठीक है। तो भाई आज की वीडियो करते हैं पर खत्म, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी, अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।